हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा ब्यूटी हब। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ हेयर कट, लेयर हेयर कट। आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया था लेयर कट दिखाने के लिए, तो मैं यहाँ पर लेयर कट दिखा रही हूँ। लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन आएगा, जरूर से हिट करिएगा ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिल सके। तो सबसे पहले हम लोग, आप इनका हेयर देख ही रहे हो कितना लॉन्ग है, तो चलिए इसमें हेयर कट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने फ्रंट से साइड पार्टिंग करेंगे, दो पार्ट में बांट देंगे और अभी हम सेक्शन बनाएंगे। तो यहाँ पर अच्छे से मैं पार्टिंग कर ले रही हूँ, क्योंकि अगर आपको फ्रंट में हेयर कट चाहिए तो आपको पार्टिंग करना ज़रूरी होता है। अगर नहीं चाहिए तो आप पार्टिंग नहीं भी कर सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगी पार्टिंग करके ही करिए। बहुत अच्छे से और बहुत ईजी वे में हो जाता है हेयर कट। तो यहाँ पर देखिए, आप मेरे फेस को इग्नोर कर दीजिएगा, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ। सो यहाँ पर मैं फ्रंट के हेयर को ट्विस्ट करके क्लिप लगा दे रही हूँ, आई मीन सेक्शन क्लिप लगा दे रही हूँ, क्योंकि क्लाइंट नहीं चाहती थी उनका फेस आए, इसलिए मैं इसमें उनका फेस नहीं दिखा पा रही हूँ, तो मैं फ्रंट के नहीं दिखा सकती। तो आपको बैक के में दिखा रही हूँ, आप बैक के हेयर कटिंग देखिए लेयर कट कैसा आप ईजी वे में कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट हेयर को कर दिया अच्छे से क्योर, और अब मैं अच्छे से टैंगल फ्री कर लिया है मैंने, और अब मैं सेक्शन बनाऊंगी। तो सब यहाँ पर मैं सेक्शन के लिए निकाल रही हूँ अब हेयर। तो इनको वन स्टेप चाहिए, वन स्टेप कट में इनको लेयर चाहिए, तो यहाँ पर मैं वही कर रही हूँ। इस तरह से आपको सेक्शन ले लेने हैं और सेक्शन को आपको सिक्योर कर देना है। इनकी बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर, बहुत शाइनी, अच्छी सिल्की हेयर है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर सेक्शन निकाल ले रही हूँ। आपको नहीं समझ आएगा आप कमेंट करना। और ये इनका मैंने ज़्यादा हेयर कट छोटा नहीं किया था, इनको लॉन्ग में ही लेयर चाहिए था, तो मैंने वही किया। यहाँ पर मैंने एक सेक्शन बना लिया है, अब सेम इस साइड भी वैसा ही सेक्शन बना लूँगी। आपको सेक्शन अच्छे से लेना होगा, क्योंकि हेयर के सेक्शन अगर आप अच्छे से नहीं लेते हो तो हेयर कटिंग आपकी अच्छी नहीं होगी, गड़बड़ घोटाला हो जाएगा फिर। तो अच्छे से आपको सेक्शन ले लेना है, जैसे कि मैं ले रही हूँ, और इस तरह से आपको ले लेना है। क्योंकि ये स्टेप कट के साथ लेयर है, इसलिए मैं इसे स्टेप कट होता है 90 डिग्री में, तो मैं इसे भी 90 डिग्री में ही करूँगी, लेकिन लेयर लेकर करूँगी। लेयर कट जो होता है वो 180 डिग्री में होता है, लेकिन इनको मल्टी कट चाहिए था, यानी कि स्टेप और लेयर का मिक्स चाहिए था, तो मैं यहाँ पर वही कर रही हूँ। तो ऊपर के हेयर को मैंने सेक्शन करके निकाल लिया है। नाउ अब मैं बॉक्स लूंगी, जिस तरीके से आपको दिख रहा है, मैंने एकदम मिडिल से हेयर लिया है, लेफ्ट का छोड़ देना है, राइट का छोड़ देना है। मिडिल का हेयर मैं ले रही हूँ यहाँ पर, इस तरीके से आप ले सकती हैं, और बहुत ही इजी वे है ये, सीरियसली ट्रस्ट मी, ये बहुत इजी है। और इसे हम 45 डिग्री में, आप इसे 0 डिग्री में भी कट कर सकते हैं, लेकिन इनको हल्का सा लेयर चाहिए। अगर आपको लेयर करना है तो आप 0 डिग्री में नहीं, आप 45 डिग्री में कट करोगे, जैसे मैं कर रही हूँ। और आपके हाथ में जितना हेयर आएगा आप उतना ही हेयर लेके कट करोगे। मेरे हाथ में इतना आ रहा था तो मैंने इतना लिया, अगर आपके हाथ में कम आएगा तो आप कम लोगे, ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा लोगे। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकती हैं, इनको ज़्यादा शॉर्ट हेयर नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर ज़्यादा शॉर्ट नहीं कर रही हूँ, बस इतना ही कट करना है। अब क्लाइंट जैसा बोले आपको वैसा ही कट करना चाहिए, तभी क्लाइंट आपकी हैप्पी रहेंगी। सो यहाँ पर देखिए, आपको ऑलरेडी एक लेयर दिख रहा होगा, तो यहाँ पर एक लेयर बन चुका है। नाउ अब मैं लेफ्ट साइड के हेयर ले रही हूँ, और उसमें मैंने जो हेयर कट किया है उसको एज अ बेस लेकर वो वाली लेफ्ट साइड की हेयर भी मैं कट कर दूंगी, क्योंकि आप मिडिल से बेस ले लिए हो तो आपको साफ दिख जाएगा बेस, और बस उसी बेस से आपको हेयर कट कर देनी है। ये रहा बेस, साइड में आपको छोटी सी दिख रही होगी, सो उसी को अकॉर्डिंग हमें कट कर देनी है। हो गया, और ये देखिए कितना सुंदर सा लेयर बैठ गया है। और अब सेम प्रोसेस हम करेंगे राइट की तरफ, तो राइट की तरफ भी हमें वही करना है, मिडिल के हेयर को लेना है थोड़ा सा एज अ बेस। तो इस तरीके से ले लिया है मैंने बेस, और अब करना है इसकी भी हेयर कटिंग, और इसे भी करनी है 45 डिग्री में कट।
और सच में ऐसे हेयर में कट करके मजा आ जाता है, इतना सुंदर रिजल्ट आता है। एक्चुअली हर हेयर कट अलग अलग होता है, जैसे कि कर्ली हेयर के लिए स्टेप कट होता है, स्ट्रेट के लिए लेयर होता है। तो वैसे मैं एक अच्छे से वीडियो में बताऊंगी आपको किस हेयर में कैसे कटिंग करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं फिर से वही सेम 45 डिग्री में लेकर हेयर कट कर रही हूँ और बेस मैंने यहाँ भी ले लिया है, आपको भी इसी तरीके से बेस ले लेना है। और ये देखिए बेस छोटा सा दिख रहा है, बस उसी के अकॉर्डिंग ये कट कर दिया मैंने यहाँ का भी। सो ये हो गया है जी, ये हो गया है और आप यहाँ पर लेयर देख सकते हैं। लाइट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है लेकिन ये देखिए आपको साफ दिख रहा होगा यहाँ पर। अगर आप ये 0 डिग्री में करते तो आपको इतना सुंदर लेयर नहीं मिलता। ये देखिए बहुत ही सुंदर कट हुआ है। सो इस तरीके से अब आप लोग ही बताओगे, क्योंकि मैं अपने मुंह क्या बोलूं, मियां मिट्ठू नहीं बनूंगी। आप लोग बताइए कैसा लगा कट। सो ये मैंने सेक्शन को खोल दिया है और अब इसे मैं 1.5 इंच ऊपर काटूंगी। हेयर कट का रूल होता है आप 1 इंच 1.5 इंच लेकर काटे, वो हेयर पे भी डिपेंड करता है ऑफकोर्स। तो ये यहाँ पर मैं 1.5 इंच जितना आपके लेंथ है उससे 1.5 इंच छोटा करूंगी, क्योंकि लेंथ आपको उतनी रखनी है। ऊपर के हेयर तो आप छोटा कर ही सकते हो, क्योंकि नहीं करोगे तो फिर नहीं आने वाला है कट अच्छा से। और फिंगर आपको इसी तरीके से रखना है, ज्यादा इधर उधर नहीं करना है, एंगल ही रखना है। एंगल मतलब जैसे कि मैं रखी हूँ, आपको ऐसे रखना है तभी आपके लेयर बैठेंगे। ये देखिए यहाँ पर हो गया लेयर। और फिर से यहाँ पर भी मैं सेम प्रोसेस करूंगी, जो हेयर कट मैंने किया है उसको एज अ बेस ले लूंगी। और यहाँ पर मैंने सेकेंड सेक्शन भी खोल लिया है और इसे अच्छे से कॉम्ब कर लेना है। कॉम्ब करने के बाद बेस ले रही हूं मैं इस तरीके से, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि इतनी हेयर आपको कट करनी है। तो थोड़ा सा बेस में और ले रही हूं, क्योंकि वो हेयर मिक्स होने की वजह से अंदर चला गया था। तो यहाँ पर और थोड़ा सा लेके बस उसी के अकॉर्डिंग हेयर को मैं कट कर दे रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैं कट कर रही हूं और बस हो गया, थाना बहुत इजी। सो फ्रंट हेयर कट मैंने दिखाया है और ये देखिए बन गया लेयर। अब इसे सेटिंग करनी पड़ेगी, बिकॉज हेयर कट के बाद अगर आप सेटिंग नहीं करते हो हेयर की तो वो एकदम बेकार लगने वाला है। सो इनकी हेयर आप देख सकते हो एक तरफ मुड़ी मुड़ी सी है, तो इसको मैं सेट करूंगी डीप यू, जैसे कि हेयर कटिंग में दिख रहा है इसे मैं डीप यू हेयर कट दूंगी। क्योंकि इनका हेयर पहले भी शेप में था बट अभी बहुत खराब सा लग रहा है, भी नीचे आप देख ही रहे हो। सो इस तरह से मैं यू कर दे रही हूँ, आपकी मर्जी, आप यू भी कर सकते हैं, भी कर सकते हैं। एक्चुअली ये आपकी मर्जी नहीं है, ये क्लाइंट की मर्जी है, वो भी रखना चाहती है यू। तो भी इनका था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने बोला यू कर लीजिए, तो वो भी राजी हो गए। तो मैं यहाँ पर यू कट कर रही हूँ और यहाँ पर भी अच्छे से राइट साइड होने के बाद लेफ्ट साइड का भी आपको ऑफकोर्स करना पड़ेगा, एक साइड तो करके छोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पर भी मैं लेफ्ट साइड का हेयर कट कर रही हूँ और इसे भी शेप कर रही हूँ। अगर मैं बहुत ज्यादा अगर मैं बहुत ज्यादा यू करती तो उनके हेयर बहुत छोटे हो जाते, जो कि उनको नहीं चाहिए था। तो मैंने हल्का हल्का ही सेट किया है, तो ये आप लोग देख रहे हैं अच्छे से हेयर को सेट कर दिया मैंने। नाउ अब आप यहाँ पर फाइनल देख सकती हैं लेयर कट, आपको वीडियो के एंड में भी इनकी फाइनल लुक दिख जाएगी। सो ये हो गया यहाँ पर कम्प्लीट और ये है फाइनल लुक। कैसा लगा आपको लेयर कट, लॉन्ग हेयर में लेयर कट, मल्टी लेयर कट, जरूर बताइएगा। सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में और आप लोग शेयर कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।